बोलना शुरू कर। कब तक भीतर ही भीतर घुटता रहेगा? अगर वो उगाने के लिए बीज देगा तो तुम उसे उगाओगे भी? उस महान आदमी ने हमें खेती के लिए जमीन दी, उसने फसल के लिए पानी दिया। अनफॉर्चुनेटली वो एक क्रिमिनल बन गया सर। तो दोस्तों, कई दिनों से शाहरुख खान और लोकेश कनगराज की मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। वही अब इसको लेकर जानकारी भी सामने आ रही है। जी हां, इन दिनों शाहरुख खान अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर काफी सुर्खियों में है। साथ ही शाहरुख खान के लिए 2023 एक गोल्डन ईयर रहा है। किंग खान ने 2023 में लगातार एक के बाद एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसकी चर्चा आज भी है। ऐसे में शाहरुख खान के साथ हर कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर काम करना चाहता है। वही अब किंग खान का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा शानदार प्रदर्शन देखे तो इन्हें कई मूवीज ऑफर हो रही है, लेकिन शाहरुख काफी सोच समझकर फिल्में साइन कर रहे हैं। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि शाहरुख खान की अगली मूवी साउथ के एक्शन मूवी डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ होगी। वही इनसाइड खबरें है इस मूवी का नाम पैंथर होगा। इस फिल्म की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म को लेकर कहा जा रहा है ये एसआरके की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। इस मूवी के लिए लोकेश कनगराज काफी मेहनत कर रहे हैं। वही पिछले दिनों खबर थी कि शाहरुख खान की इस मूवी में साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस होने वाली है। साथ ही इस मूवी का टाइटल कथित रूप से पैंथर बताया जा रहा है। इसका बोलबाला सोशल मीडिया पर काफी तेजी से दिखाई दे रहा है। किंग खान के फैंस चाहते हैं कि लोकेश कनगराज के साथ शाहरुख खान की ये मूवी जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए, लेकिन शाहरुख खान अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर काफी आराम से डिसीजन लेना चाहते हैं। वैसे भी हमें 100% भरोसा है कि किंग खान अब जो तीन फिल्में अनाउंस करने वाले हैं वो तीनों भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाएगी। और लोकेश कनगराज की बात तो कुछ अलग ही है, इनके जैसी एक्शन फिल्में साउथ में बहुत कम ही डायरेक्टर बनाते हैं। अगर ये जोड़ी साथ आती है तो जवान से भी बड़ा धमाका होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है शाहरुख खान और लोकेश कनगराज की मूवी के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डायहार्ट फैन हैं तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।